और कहीं पे ये गुरुद्वारे जो यूएस मदद ने तो कर रहे हैं, तो डंडा ये दिखाया, नहीं इस यूएस ने, नहीं 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 सर यूएस ने तो इस डंडा सिस्टम दिखाया। पे तो जो गुरुद्वारे और मंदिर मदद कर रहे हैं वो भी भीग दे रहे हैं कोई आपके मंदिर प्रिंसिपल को। कोई मंदिर नहीं मदद कर रहा, इस नहीं नहीं हाँ सर बिल्कुल मैं मंदिर कर, आप क्या क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैंने पोस्ट देखी है, 1,000 करोड़ रुपए की डोनेशन एक अकेले मंदिर ने दी है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो सर्च करिए, जरा सर्च करिएगा पूरे इंडिया में। वो मंदिर क्यों नहीं कर रहे ना, वो मंदिर क्यों नहीं कर रहे, आप उठा के सर्च करिए ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा क्यों नहीं कर रहे। शेयर कीजिए कुछ, एक मस्जिद में भी मैंने सुना था कि उन्होंने मस्जिद को कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बेड वेड लगाए हैं, सिस्टम फेल हुआ है। तो अगर अगर मोदी के बेटा होता ना, तो बेटे के बेटा होता ना, 2 मिनट में वहां जहाज पकड़ के चला जाता, वो कैसे चला जाता। जब आप ऐसे मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर का वेट करिए जो आपके चेहरे पे आके मास्क लगाएगा, आप वेट करिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर का अवतार लेने का जो आपके चेहरे पे आके मास्क लगाएगा, आपके घर की सब्जियां बना देगा, आप कुछ मत करिएगा सर, आप कुछ मत करिएगा, मास्क और गमछा भी नहीं लगा सकते हैं, आप केवल लेक्चर दीजिएगा। सर बर्ड फ्लू 2012 में आया, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, आप प्लीज, मैंने इसलिए आपको बताया सर, वहां के कल्चर में नहीं, एक चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है कल्चर में है, अरे हमारे कल्चर में भी तो है, मुंह पे गमछा बांधते हैं लोग की नहीं बांधते हैं, तो क्यों नहीं बांधते हैं, आपने तो अपने कल्चर को छोड़ दिया। आप केवल देखिए केवल क्रिटिसाइज, आप अपने कल्चर को छोड़ दिए हैं। अरे सर पिछले 1.5 साल से तो हर मोबाइल में रिंगटोन चल रहा है ना कि कोविड से ऐसे बचिए, मास्क लगाइए, कैसे बचाएं आपको बताइए ना सर। कुछ यहाँ से चीजें बाहर जाती हैं जिसके कारण कुछ दवाइयां बन, अब यहाँ से भारत से दवाइयां बन करके भारत बायोटेक और इन सब से बाहर जा रही है, तो इसके लिए हम क्या बोले कि अमेरिका और दूसरे देश हमसे भीख मांग रहे हैं। सर कम से कम इस पेंडेमिक के टाइम में ऐसे शब्द का प्रयोग मत करिए, ग्लोबल ह्यूमिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। जब बंगाल में महामारी आई थी पुराने टाइम पे, अमर्त सेन को उसी चीज के लिए नॉलेज नोबेल प्राइज मिला था, उनका थीम ये था कि बंगाल में महामारी के कारण लोग नहीं मरे, मरे इसलिए थे क्योंकि चावल और खाद्य पदार्थों यानी मेटेरियल का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, आपूर्ति नहीं हो पाई, ठीक है उस वक्त ट्रेन वगैरह ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। आज के हमारे शो के मेहमान हैं कनाडा से टीवी पैनलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रणवीर शारदा जी। डॉक्टर शारदा आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। भारत से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवी पैनलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी। मिश्रा जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपके दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। शुक्रिया मिश्रा जी। मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आऊंगी, जिस तरह से हमने अभी डॉक्टर शारदा से पूछा कि क्या ये मैन मेड है और इस तरह से, आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं या नहीं? देखिए दुनिया जो है वो संभावनाओं का केंद्र है, कहां क्या हो जाए कुछ बोला नहीं जा सकता है। क्लासिफाइड डी क्लासिफाइड फाइल्स जो होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट भी की गई हैं, ठीक है मेरे पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है या डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन इस तरफ से अगर बातें उठ रही हैं तो एटलीस्ट इस सोर्स का भी पता चलना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई है। हो सकता है ये विलिंगली हुई हो, शुरुआत के दिनों में चाइना और यूनेस्को वगैरह का वर्ल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रवैया रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे पेंडेमिक के क्या रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन उन लोगों ने इतनी लापरवाही बरती, चाइना ने बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया, WHO वगैरह ने कंसंट्रेशन इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। ये कुछ ऐसे पॉइंट है, मे बी ये प्योर बायोलॉजिकल हो, इसमें जेनेटिकली म्यूटेटेड चीज कोई ना हो, जेनेटिक्स का कोई फर्दर मैन मेड ह्यूमन जो है के थ्रू कुछ ऐड न किया गया हो, लेकिन हाँ उनके मोरल पे उनके उद्देश्यों पे वो क्यों छुपाना चाहते थे, क्यों बताना नहीं चाहते थे, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी इमीडिएट, पूरे दुनिया को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एटलीस्ट हम चाइना की मंशा के ऊपर डेफिनेटली सवाल उठा सकते हैं। सेकंड, जब पूरी दुनिया कोविड से, मैं उस वक्त इंडिया अफेक्टेड नहीं था लेकिन मैं वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की बात करूँ, जब अफेक्टेड थे तो चाइना चाइनीज पीपल चाइनीज फैक्ट्री दे वर बिजी इनटू मनी मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग, तो ये कहाँ की ह्यूमैनिटी है। ये पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन एंगल की इन्वॉल्वमेंट विलफुल इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों की तरफ एक क्वेश्चन मार्क लगाती है, तो डेफिनेटली हमें इस चीजों पे भी देखना चाहिए और पूरी दुनिया को एक हो करके। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, डॉक्टर शारदा ने भी बोली कोई गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा, कितने म्यूटेंट तो इसके आ गए, तो जब भी कोई पेंडेमिक आता है तो उसकी पूरी साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं ये कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ,
ताकि फर्दर उसकी स्टडीज करके वहां पे उसको डेवलप कर लिया जाए, मेडिसिन वगैरह प्रिकॉशन ले लिया जाए। साइंस का इवोल्यूशन तो ऐसे ही होता है। आपका जो पॉइंट है, मैं ये बोलूंगा कि एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। अगर कहीं ये प्रूव नहीं हो सका है कि ये मैन मेड है, तो ये भी प्रूव नहीं हो सका है कि ये कैसे पैदा हुआ, कहा, वो भी एक डाउट है कि चमगादड़ से हुआ। 100% कंफर्मेटरी अभी तक साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आई है। चाइना तो वैसे भी ओपन नहीं करता है, उसने विजिट करने से भी शायद यूनेस्को की और WHO की टीम को मना कर दिया था, कुछ ऐसी खबरें थी। तो ये क्वेश्चन मार्क तो जिंदा रहेगा मैम, जब तक कि इसका आंसर साइंटिस्ट लोग, जैसे एड्स जब आया शुरू में तो पता नहीं चला, बाद में पता चला कि रीसस मंकी से फैलता है, उस मंकी के अंदर जो है ये हार्म नहीं करते हैं लेकिन वो वेक्टर की तरह काम करते हैं और ह्यूमन बॉडी में पहुंचते ही अपने सारे रूप रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च का और ग्लोबल ह्यूमनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन मार्क तब तक मैं लगा के रखूंगा जब तक साइंटिफिक और खुले दिल से इसका आंसर नहीं मिल जाता है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या था, साइंटिफिक प्रोसीजर क्या था। आपको एक एग्जांपल देता हूं वुहान की। जब वुहान में केस आया तो उन्होंने वुहान के 60 मिलियन लोगों को घर में टोटल बंद कर दिया 3 महीने के लिए, और हर एक के घर में बकायदा फूड के थैले पहुंचाए, हर एक के घर में। एक आदमी भूखा जो है वहां नहीं मरा। ऑटोक्रेटिक रजीम है जी, जिसको हम डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। सो दे कैन मैनेज इन एनी वे दे वांट। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो अपने हिसाब से करते, कोई मानती है कोई नहीं मानती। कैनेडा में ही, अमेरिका में भी आप ले लो कि अमेरिका में कम से कम 30 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि नहीं मानती कि ये जो मतलब COVID-19 है इसका कोई असर होगा। उनके जो गवर्नर, उन्होंने उनको ओपन खोल दिया जी। कैनेडा में भी हमारे यहाँ 2-3 ऐसे राइटिस्ट प्रीमियर्स हैं जिन्होंने कहा नहीं मानते। तो बेसिकली हिंदुस्तान, ये पढ़े लिखे लोगों की बातें करो, हिंदुस्तान में 40% तो लोग बेचारे पढ़े लिखे ही नहीं है, मजदूर है, तपड़ा है। उनको संभालना और उनको ये कहना कि आप हमारी गाइडलाइन को फॉलो करो, ये बड़ा डिफिकल्ट है। दुनिया में 3 कंट्रीज हैं जी, एक साउथ कोरिया, एक वियतनाम, एक चाइना, जो कि 100% गवर्नमेंट की बात को फॉलो कर रहे हैं, 100%। मिश्रा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक डेमोक्रेसी में, एक कंट्री में जितने कंपोनेंट होते हैं, 4-5 कंपोनेंट होते हैं, लैंड होता है, फिर एक गवर्निंग बॉडी सिस्टम होती है, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका वगैरह, फिर पॉपुलेशन होती है। सबसे बड़ी देखिए यहाँ पे दुर्दशा क्या है, यहाँ पे ऐसे भी भाषण आए थे, मैसेजेस आए थे बड़े बड़े लोगों के, राजनीतिक पार्टियों के जो हेड है, मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं कि जी हम तो ये वैक्सीन लगवाएंगे नहीं। ये फैलने के पहले की बात है जब वैक्सीन आई थी, और गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला करके मोबाइल के रिंगटोन जब से, मतलब फर्स्ट फेज से लेके अब तक, देखिए दो चीजें होती है, या तो आप प्रिकॉशन ले लीजिए, प्रिवेंटिव मेथड या क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मेथड तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि मेडिसिन अभी बनी नहीं है, वैक्सीन भी प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मेथड में मास्क लगाना, डिस्टेंस बनाना, फिजिकल डिस्टेंस वगैरह, ये भी सब तरीके हैं। तो उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे इन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का, बहुत सारे लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माइलेज लेने के लिए मजाक उड़ाते थे। उसमें भी जो समझदार लोग हैं वो, उन्होंने प्रिकॉशंस लिए, वो बचे हुए हैं। जो समझदार नहीं थे, जो केवल भावनाओं में बह गए, इमोशनल्स होकर के, जिन्होंने इमोशनल अपील को माना, आप ये बोलिए कोविड फैला हुआ है, किसान आंदोलन हो रहा है, वहां कहां पे एक जो है, एक और जो है, एक पर्टिकुलर संप्रदाय था वो भी आंदोलन किए पड़ा था अपना, हर जगह जो है अपील कर रहे थे कि इस आंदोलन को और बढ़ाओ, वो खत्म हुआ तो किसान आंदोलन चला गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम मानव आज ये मानते हैं ना कि हम बहुत सभ्य हो गए हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्लासिकल एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक वगैरह का इलाज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन लोग उसके ऊपर हंसते हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ये बनाया था, जो आज सोशल डिस्टेंसिंग चिल्ला रहे हैं लोग, यूनेस्को बोलेगी, WHO बोलेगा, एम्स के डॉक्टर बोलेंगे भाई डिस्टेंस रखो एक दूसरे से, हाथ मत मिलाओ। यही चीज हमारे ऋषि मुनियों ने जब बनाया था कि डिस्टेंस रखो, तो उसको टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी दिया गया था। उनकी जीनियास्टी का मजाक उड़ाना हम लोगों को भारी पड़ रहा है। वो इसलिए नहीं बोला गया था, वो इसलिए बोला गया था कि आप थोड़ा दूर रहिए, हो सकता है किसके पास कौन सा इंफेक्शन है, किसी को पता नहीं है। नॉर्मली
इन्फ्लुएंजा से तो इंडिया में शायद उतनी डेथ नहीं होती है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में बहुत डेथ होती है, किसी को पता भी नहीं है किसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चीज क्या निगेटिव चीज है। तो ये जो सोशल मान्यताएं थी वो खत्म हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब कोई दवा नहीं थी तो प्रिकॉशन लिया जा सकता था, उस वक्त पूरी दुनिया में केवल प्रिवेंटिव मेथड ही थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना उसका रोल हो सकता था इनिशियल लेवल पे उसने किया, मैसेज दिया, सब कुछ दिया, बाद में जाके सब एक ही गंगा में जो है कूद गए। बंगाल इलेक्शन जब हुआ उसके बाद कुछ और हुआ, तो यहाँ पे हम किसको दोष देंगे? देखिए मेरा सिंपल सा मानना ये है, जान आपकी है, आप इसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हो, आप और अपनी फैमिली। अगर आप अपनी और फैमिली को बचा लीजिए तो वो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, देश की सेवा होगी। अगर हर आदमी अपने आप को इन्फेक्टेड होने से बचा ले तो कोविड फैले ही नहीं। और ये जो इमोशनल चीजें होती है ना, कि किसी नेता ने बोल दिया, किसी रिलीजियस धर्म गुरु ने बोल दिया, ये सब चीजें नहीं, अगर वो वैज्ञानिकता के आधार पे खरी नहीं है तो आप उसको मत मानिए। डेमोक्रेसी है तो पॉजिटिव वे में डेमोक्रेसी लीजिए, कि आप अगर उसको नहीं मान रहे हैं तो आपको कोई जेल में नहीं डालेगा कि जी हमने बोल दिया वैक्सीन मत लगाओ या कोरोना कुछ नहीं होता है, ये तो उनकी देन है, इनकी देन है। तो आदमी के पास जो नेचुरल ब्रेन है, भगवान ने, प्रकृति ने हर इंसान को अपने आप में एक सफिशियंट एंटिटी बनाया है। सफिशियंट एंटिटी मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी बात माननी है, किसकी नहीं है, ये बुद्धि और विवेक दिया है। तो चूक तो हमसे वहीं पे हो गई सबसे पहले। अब अगर गवर्नमेंट सख्ती करे, फर्स्ट फेज में लॉकडाउन किया था तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, यही ग्लोबल मीडिया जो आज पेंडेमिक के इंडिया में जो कंडीशन है उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, तो जब लॉकडाउन लगा था तब उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था कि अरे घर में कैद कर दिया, ये कर दिया। जब लॉकडाउन लग रहा था गवर्नमेंट से बोली अपील की जा रही थी, तो यहाँ पे कुछ सरकारें ऐसी थी कि मजदूरों को भगा दिया कि भाई जाओ, उनको कोई व्यवस्था नहीं। तो ये अपने अपने जो स्वार्थ है, पैंडेमिक को भी जगह तब मिलती है जब हम लोग मुत्तहिदा नहीं हो पाते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को मैं दोषी बता दूं, उसके लिए सब बराबर के जिम्मेदार हैं। हो सकता है सजा किसी बेगुनाह को मिल रही हो, हमको इन्फेक्शन हुआ, हमने अपने आप को बचा लिया, पैसे हैं, दवा है, लेकिन हमने इन्फेक्शन किसी ऐसे गरीब को दे दिया जिसके पास नॉलेज भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और वो उतनी दूर जा भी नहीं सकता है, हॉस्पिटल में मेडिकेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध होता है मैम। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सबसे पहले आप प्रिकॉशन बरतिए। और एक और चीज है, डॉक्टर साहब ने 12 साल की हिस्ट्री बताई पेंडेमिक की, मैंने भी आपको कई बार ये बोला है, महामारी के समय, दैवीय आपदा के समय दुनिया की बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन सरकारें, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जो है तपस्वी या दिव्य शक्तियों से जो लोग लैस होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। वहां पे केवल प्रिवेंटिव मेथड काम आता है, जब तक कि क्योरेबल मेडिसिन आपके पास डेवलप नहीं हो जाती है, 100% उसका इलाज नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं, अगर आप पूछेंगी तो मैं ऑनेस्टली, अगर मुझे कोरोना हो तो मैं अपने आप को दोष दूंगा, ये फैक्ट है, मैं आपको बताऊं। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, उन्होंने प्रिकॉशंस भी लिए, लेकिन चूंकि वो इतने रिस्की माहौल में है कि वहां से बच पाना उसके चांसेस बहुत कम है, तो उनके मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम है कि दूसरों को बचाने के लिए वो इतने रिस्की जोन में गए हैं, तो उनको मैं सैल्यूट करूंगा। और पहला मैं यहाँ के पब्लिक को बोलूंगा, देश बनता है पब्लिक से बनता है, बाकी फिर सरकारें वगैरह सब कुछ है, और सिस्टम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में जब आप क्वेश्चन पूछेंगी कि सिस्टम कैसे फेल हुआ, ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है, क्या है, तो हम उस पर एक डिफरेंट अप्रोच से बात करेंगे। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है, मैं मानता हूं उसके मैनेजमेंट की कमी है, और एक डिफरेंट एंगल से जो जर्नलिस्टिक अप्रोच नहीं। दूसरा, मैं पर्टिकुलरली बाय प्रोफेशन आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, इट इज माय हॉबी, तो वो हम बताएंगे कि कैसे रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाई, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे कनाडा रहा हो, चाहे इंडिया, चाहे एक इंडिविजुअल आदमी रहा हो। मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा, फिर मिश्रा साहब को कहूंगा कि वो पार्टिसिपेट करें। जी, मैंने पिछले 7 दिन से लगातार जी प्रोग्राम देख रहा हूँ हिंदुस्तानी टीवी लगातार, और जिस किस्म से मैं हैरान हूँ, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं वो भी जाके रिपोर्टें कैसे दे रहे हैं, यहाँ आंखों में आंसू आ जाते हैं, कैसे आदमी के हाथों में, बच्चों के हाथों में माँ मर रही है, बाप मर रहा है, कैसे आज मैंने एक देखा मोटरसाइकिल अपने बाप को लेकर वो पटना जा रहा है, जो कि 200 किलोमीटर दूर है मोटरसाइकिल,
क्योंकि उसके अपने हॉस्पिटल में उसको कुछ नहीं मिला, दैट्स नंबर वन। नंबर टू कि ये जो गुरुद्वारे की आपने बात किया, एक गुरुद्वारा नहीं है, दो गुरुद्वारे दिल्ली में, एक गाजियाबाद में और एक फरीदाबाद में, जहाँ पर उन्होंने इसका ऑक्सीजन लंगर लगाया। जो दिल्ली का रकाबगंज गुरुद्वारा है वहाँ पर 200 का बेड, 200 बेड विद ऑक्सीजन साथ रखी हुई है वहाँ पर लोगों के लिए। ये एक सेवा भाव है, जिनमें सेवा भाव है सोनू सूद को देखो, सेवा भाव है जी, औरों को देखो, ये सेवा भाव है। इन्होंने आईपीएल की बात की, आप हैरान होंगे कि आईपीएल में जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, फॉरेन जो बाहर के आए हुए हैं, उन्होंने 50,000 डॉलर गवर्नमेंट को दिए फंड में, लेकिन एक भी हिंदुस्तानी क्रिकेटर ने, एक भी हिंदुस्तानी क्रिकेटर ने कुछ एक नया पैसा नहीं दिया जी। आज इरफान खान जो है, जो रिटायर्ड क्रिकेटर है, वो दिल्ली में आके जो है खाने बांट रहा है रिटायर्ड। लेकिन ये जिनके पास, जिनके 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ के जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उनमें से एक भी नहीं किया, लेकिन तीन फॉरेन क्रिकेटर्स में पैसे दिए 50,000। अब मानिए, तो मैं ये चाहता हूँ मिश्रा जी, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर डालें, ये कैसे लोगों में होगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत वास्ट है और हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। गवर्नमेंट के फेल्योर है, सिस्टम के फेल्योर है। हमने आपको बोला है कि इंडिया जहाँ पे इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्सिटी है, और पेंडेमिक के टाइम पे, मैं एग्जाम्पल दूंगा, अभी चाइना में बाढ़ आई थी, जो वहाँ का सबसे लंबा बांध है उसके ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा था, वहाँ पे भी सरकारें मजबूर हो गई थी। पहला चीज़ ये है कि पेंडेमिक या इस तरह की जो आपदा आती है, लगभग सिस्टम फेल रहता है। आप 10,000, 20,000, 15,000 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत दिनों से हम रूल किए गए हैं अंग्रेजों और इन सब चीज़ों के कारण। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना, वो हमारा ये हुआ है, मैंने पहले ही बोला, प्रिवेंटिव मेथड जो होता है वो केवल और केवल सोसाइटी ले पाती है। पहले हम इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज थे, भले ही लोग हमको गंवार बोलते थे, लेकिन हमारे पास जानकारियाँ, अपने को बचाने के तरीके अच्छे होते थे, ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा होता था, लोग एक दूसरे को प्रायोरिटी देते थे कि जिनको ज़रूरत है उनको पहले वो मटेरियल या उत्पाद मिले, रेदर देन कि हम स्टोर करके रख लें, जो कि आजकल हो रहा है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये बोला गया कि 70 देशों से हमें मदद आई, और हमने पहले ये बोला कि जी हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, तो जो सुनामी आई थी और इसमें, इन दोनों में बहुत फर्क है। जापान में भी जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है, जब वहाँ आया था, तो जापान तो बहुत डेवलप है, वहाँ पे भी वो केवल उसको वेट करने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मदद आ रही है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आ रही है, तो हमने भी बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम पे मदद किया है। हमारी आर्मी भी बहुत सारे पीस मिशन पे जाती रही है, जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें दूसरे देशों में रही हैं। यही तो ह्यूमैनिटी है। अगर मदद आ रही है, उसमें शर्म करने वाली क्या बात है, हमने मदद की है तो हमें मदद आ रही है। मिश्रा जी मैं आपको यहाँ काटूंगा, मतलब अगर मैं किसी को भीख देता हूँ तो ये जरूरी है कि मैं भीख मांगू भी, जरूरी है सर? आप मदद और भीख की बात, मदद और भीख में फर्क है सर, मदद और भीख में फर्क है सर। अगर मेरे को कंट्री से लेना पड़ रहा है तो भीख ही है। आप आजाद देश के नागरिक हैं, ऐसे ही बहुत से लोग यहाँ बोलते हैं, हम मास्क नहीं लगाएंगे, इसीलिए फैल गया। क्यों नहीं लगाएंगे सर, क्यों नहीं लगाएंगे? ग्रीपी रेडी तो उठा के ले जाते हो, वो सारी प्रॉब्लम को मैं एक मियां बीबी को डाइजेस्टर राइटर अंदर ठोक देते हो, वो चलेगा, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया चलाता है, लेकिन हिंदुस्तान की जुडिशरी अंधी है, उसको सुन लीजिए। हाँ मैं आपको बता, भीख मांगनी जरूरी है हमें, मतलब जरूरी क्यों जरूरी है भाई? मेरे को तो नहीं लगता भीख और मदद, मेरे को भी ऐसा कौन सा देश है सर जो बिना मदद के चलता हो, जरा मुझे बताइए, कोई एक देश का एग्जांपल बताइए जिसने मदद नहीं ली हो, या जिसने दूसरों का सहयोग नहीं लिया हो। मैं बता दूं, आप यूएस में देख लीजिए, यूएस में भीख मांगी है, यूएस में काला देखा चीज खरीदी, भीख नहीं मांगी है। नहीं नहीं, अरे यूएस को दवाइयां यहाँ से गई है, डंडे से यूएसए को दवाइयां यहाँ से गई है सर, फर्स्ट फेज में से ली है, यहाँ से गई है यूएसए से, बिना मदद और सपोर्ट के। सर ये ग्लोबल विलेज है, कहीं कोई डंडे से नहीं है सर, कहीं कोई
अरे किसी ने हमारे ऊपर ये बोला था क्या कि तुम नहीं भेजोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, किसी ने ये बोला था क्या? किसने बोला था? क्लियर कट, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देखी, उन्होंने क्या उसमें स्टेटमेंट दी थी, पहली चीज ये। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया था कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को उठा के बाहर मारेंगे, क्लियर कट शब्दों में कहा गया। इन था सब, इन सब धमकियों से डर करके हमने मदद नहीं की थी, इन सब धमकियों से डर के हमने मदद नहीं की थी, हमने 2500 और देशों को मदद की थी। तो धमकियों से आपने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था पहले, ये डेमोक्रेसी है, हम गवर्न होते हैं। डेमोक्रेसी की डिफिनीशन तो ये होती है कि यहाँ जनता गवर्न करती है ना सिस्टम को, सरकार को। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए ना, यहाँ तो मोदी जी का मन गवर्न करता है, मन की बात गवर्न करती है, जनता तो गवर्न। भाई हमारे संविधान में तो ये लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने तो अभी तक ये सुना है कि जनता गवर्न। आप डिसाइड कर लीजिए ना, सिस्टम रिस्पॉन्सिबिल है कि जनता है कि दोनों रिस्पॉन्सिबिल है? सर मैंने डिसाइड कर लीजिए ना, सभी सभी। अब देखिए पहली चीज तो एक है, सभी रिस्पॉन्सिबल है 130 करोड़ के, मैंने पहले भी कहा। तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना, 130 करोड़। वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज में चाइना से लेके अमेरिका तक सब रिस्पॉन्सिबल है। आप एक पॉइंट को मत पकड़िए, अगर इसकी साइंटिफिक एनालिसिस करनी है, मैं एक एग्जाम्पल मुझे बोलने दीजिए। जब बंगाल में महामारी आई थी पुराने टाइम पे, अमर सेन को उसी चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उनका थीम ये था कि बंगाल में महामारी के कारण लोग नहीं मरे, मरे इसलिए थे क्योंकि चावल और खाद्य पदार्थों यानी मेटेरियल का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, आपूर्ति नहीं हो पाई। ठीक है, उस वक्त ट्रेन वगैरह ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। जो मेरा मेन है क्रक्स, एज ए होल देखा जाए तो, एज ए कंट्री देखा जाए तो, हमें सिस्टम है, उस सिस्टम में जनता एक पार्ट है, इंडिविजुअल मैं पार्ट हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा, मैं सिस्टम को अलग नहीं कर रहा हूँ, चाहे सिस्टम का वो कोई भी पार्ट हो। वहां पे सिस्टम की इफिशियंसी ऐसा नहीं है कि सिस्टम की इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हुआ ये है, मैं आपको बताऊं, रिसोर्सेज की कमी अभी भी नहीं है बाहर से। यहाँ से कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशियंट नहीं है, हर चीज वो नहीं बनाता है, कुछ ना कुछ कहीं से वो खरीदता है या कैसे भी करके बोले, चाहे पेट्रोल खरीदे, चाहे कोई पानी खरीदे, चाहे कुछ भी खरीदे। जब ये पेंडेमिक है तो पेंडेमिक सोल्यूशन भी इसका पेंडेमिक होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए। कोई चीज यहाँ से बाहर जा रही है, कोई चीज बाहर से। अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो हम लोग बनाते थे, शायद उसके कुछ रॉ मटेरियल इंडिया बाहर से मंगाती थी, कुछ यहाँ से चीजें बाहर जाती हैं जिसके कारण कुछ दवाइयां बन, अब यहाँ से भारत से दवाइयां बन करके भारत बायोटेक और इन सब से बाहर जा रही है, तो इसके लिए हम क्या बोले कि अमेरिका और दूसरे देश हमसे भीख मांग रहे हैं? सर कम से कम इस पेंडेमिक के टाइम में ऐसे शब्द का प्रयोग मत करिए। ग्लोबल ह्यूमिनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वक्त डंडा दिखाने का, और कहीं पे ये गुरुद्वारे जो मदद कर रहे हैं तो ये नहीं, इस सिस्टम पे तो जो गुरुद्वारे और मंदिर मदद कर रहे हैं वो भी भीख दे रहे हैं आपके प्रिंसिपल को। कोई मंदिर नहीं मदद कर रहा, नहीं 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 क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, मैंने मैंने पोस्ट देखी है, 1,000 करोड़ रुपए की डोनेशन एक अकेले मंदिर ने दी है। आपके पास नॉलेज नहीं है तो सर्च करिए, जरा सर्च करिएगा। मनी चाहे मॉनिटरी हो, चाहे थर्ड क्लास को सैलरी नहीं दी पिछले साल कि मेरे पास आमदन नहीं है, मैं सैलरी नहीं दे सकता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर किसी मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट सर, मैं किसी एक मंदिर की मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मदद कर रहे हैं तो उनको भीख मत बोलिए सर। अगर कोई मदद कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो उसको भीख की संज्ञा मत दीजिए। इस सर, संकट सर, की घड़ी में तो भीख मत बोलिए सर। आप इसको चलो, आप इसको गारंटी मान लीजिए, क्या जरूरी है कि हम अगर अपने आप को बेस्ट डेमोक्रेसी, बेस्ट इकोनॉमिकल पावर, बेस्ट ये टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, हम कहते हैं नासा में 30% हमारे लोग, हम कहते हैं अमेरिका के 40% डॉक्टर हमारे हैं, हम कहते हैं सिलिकॉन में 40% लोग हमारे हैं, तो जरूरी है कि हमें, हाँ जरूरी है कि हमें लोगों से लेना, हम दे क्यों नहीं सकते? We may be best in comparison of other civilization or country, but not in comparison of nature. Nature से बढ़ के अभी भी हम ताकतवर नहीं है। पहली चीज आपने खुद माना है कि कोविड, आपने खुद माना है कि कोविड एपल टू एपल करिए, आदमी के करिए, देश की देश से कल्पना।
ये प्रकृति की प्राकृतिक आपदा के सामने जो चीज प्रकृति पैदा करती है उसके सामने कोई देश बनीना इंसान के इतिहास में अभी भी हम प्रकृति से ज्यादा बेटर नहीं हुए हैं सर। We may be best in comparison of any country, any civilization, but we cannot be better than the nature. प्रकृति से ज्यादा बेटर नहीं हुए हैं हम, बिल्कुल आप तो फिर कंपैरिजन आप गलत क्यों कर रहे हैं? लेकिन 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 आप एक चीज बताइए, क्या हम अपनी कंट्री जो है उसके लोगों को बचाने के हकदार हम लोग नहीं है? उनको अच्छी सुविधाएं दे नहीं सर मुहैया नहीं करवा सकते, नहीं प्रोवाइड करवा सकते? अरे सर पिछले डेढ़ साल से तो हर मोबाइल में रिंगटोन चल रहा है ना कि कोविड से ऐसे बचिए, मास्क लगाइए, कैसे बचाए आपको बताइए ना सर। हर टीवी चैनल, हर पत्रकार भोंकू फाड़ फाड़ के एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि भैया ताली बजी घंटा बजा, अभी किसी को समझ में ना आए कि कोविड से कैसे बचना है। मास्क नहीं लोग लगा रहे हैं पब्लिक, तो हर चीज की लिमिटेशन होती है सर, कुछ बुरा है कुछ अच्छा है। मैं गवर्नमेंट सिस्टम को इन सब चीजों को ब्यूरोक्रेसी को वो नहीं करता हूँ। एक मिनट मिश्रा जी, मैं 2008 में बैंकॉक गया था, आज से मतलब तकरीबन लगा लीजिए कितना हो गया, 13 साल के करीब हो गया, ठीक है जी। अब 13 साल पहले मैंने वहां जाके पहली चीज क्या देखी, लोग उस टाइम पे भी मास्क लगाते थे वहां पे, वहां पे लड़के लड़कियां मार्केट में जब जाते थे मास्क लगा के जाते थे, उनके ऊपर कोई डंडा थोड़े ना था, लेकिन वो मास्क लगा, मैं बता रहा हूँ क्यों लगाते थे। अरे आप सुनिए, शायद उसी वक्त बर्ड फ्लू फैला था H1N1, हम इंडिया में उतने इफेक्टेड नहीं हुए, चाइना सिंगापुर इन सब जगहों पे हुए थे, तो उनके लिए वहां पे जब टाइम था तो वो लगाते थे। सर बर्ड फ्लू 2012 में आया, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, आप प्लीज, मैंने इसलिए आपको बताया सर, वहां के कल्चर में नहीं, एक चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है कल्चर में है, अरे हमारे कल्चर में भी तो है, मुंह पे गमछा बांधते हैं लोग कि नहीं बांधते हैं, तो क्यों नहीं बांधते हैं? आपने तो अपने कल्चर को छोड़ दिया, आप केवल देखिए केवल क्रिटिसाइज, आप अपने कल्चर को छोड़ दिए हैं, क्यों नहीं आप साफा लगाते हैं, क्यों नहीं मुंह कंधे पे गमछा लेके नाक को ढक के चलते हैं? हमारे आखिरी के चैप्टर में मुझे आज हमारे आज के नहीं, हमारे कल्चर में जब सोशल डिस्टेंसिंग को हजारों साल से बोला गया तो आप जैसे पत्रकार उसको टचेबिलिटी और छुआछूत और अस्पृश्यता का नारा देते हैं। हजारों साल पहले बोला गया है भाई डिस्टेंस मेंटेन करके बात करिए, बोलेगा तो वो छुआछूत नहीं है, वो जीवन बचाने के लिए है, और उस वक्त वो जाति प्रथा और अस्पृश्यता बन गई थी जो हजारों साल बोला था। आपको ये शूद्र है ये स्वर्ण है तो वो क्या है, वो क्या है फिर अगर आपको वो शूद्र है वो स्वर्ण है तो मैं बात फिजिकल डिस्टेंसिंग की कर रहा हूँ। फिजिकल डिस्टेंसिंग एक आदमी दूसरे आदमी से मेंटेन करने के लिए होता था, हर आदमी से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाता था, राजा भी होता था अपने दरबारियों से 2 मीटर दूर बैठता था। स्वर्ण शुद्र से डिस्टेंस करता था और किसी से नहीं करता था। आप ऐसा कुछ नहीं है सर, हर जगह जहाँ जरूरत पड़ती थी सब जगह लोग डिस्टेंस रखते थे। मिश्रा जी आज के सब्जेक्ट पे आ जाते, मेरा आखिरी सवाल है, गोली जी आप क्या इस पे कहेंगे कि सरकार जो फेल हुई है इसमें लोगों की जान बचाने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, आप क्या कहेंगे वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? अभी भी संभावना है, बिल्कुल अभी भी बहुत ऑप्शंस हैं। आप एक चीज देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वो इकलौता इंसान ऐसा, वो इतना इंटेलिजेंट आदमी है जिसने हिंदुस्तान में पोलियो खत्म कर दिया, इंडिया सबसे इन्फेक्टेड कंट्रीज में से एक कंट्री था, उसने पल्स पोलियो जो मुहिम चलाई थी वो उस बंदे की देन है। अगर वो बंदा इस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहा है या अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पक्का हो सकता है कि PMO या जो दूसरी बॉडीज हैं उसको परफॉर्म नहीं करने दे रही या उसको इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो अपना काम पूरे तरीके से कर सके। अब एक डॉक्टर जो हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद हिंदी इंडिया को इतनी बुरी पोजीशन से निकाल नहीं पा रहा, तो इसका रीजन क्या है? इसका मतलब तो अगेन बैड गवर्नेंस है ना, कि जो ऊपर उसके बैठे हुए लोग हैं वो उसको सही ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। एक बंदा जो इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री बना सकता है वो इंडिया को इस पैंडेमिक से क्यों नहीं निकाल सकता था? UN बेवकूफ थोड़ी है जिसने उसको अपने पैनल पे रखा हुआ है, क्यों क्यों यहाँ पे वो अंडर परफॉर्म कर रहा है? देखिए मैं भी बता दूं, मुझे 2 मिनट जी मिश्रा जी आपके ही पास आ रही थी मैं, अब ये आखिरी हाँ। आखिरी कमेंट है आपका जी। हमारा सिस्टम इसलिए फेल हुआ क्योंकि हम जितने डिसिप्लिन एक दिन के लिए दारू की दुकान खुलती है ना और लाइन लगा लेते हैं, काश उतने ही इंडिविजुअल आदमी के लिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, उतने ही डिसिप्लिन अगर हम हो गए होते ना कि 5 ग्राम का मास्क नहीं है तो जो गमछा है हमारा ट्रेडिशन का हजारों साल से हर कल्चर में है उसको हम मुंह पे लपेटे रहते, सारी इंफॉर्मेशन है,
कोई प्राइम मिनिस्टर, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर आके आपके घर में सब्जी नहीं पकाएगा और आपके मुंह पे मास्क नहीं लगाएगा। सिस्टम फेल हुआ है। तो अगर अगर मोदी के बेटा होता ना तो बेटे के बेटा होता ना जमीन में मां झाज पकड़ के चला जाता, वो कैसे चला जाता? जब आप ऐसे मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर का वेट करिए जो आपके चेहरे पे आके मास्क लगाएगा, आप वेट करिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर का अवतार लेने का जो आपके चेहरे पे आके मास्क लगाएगा, आपके घर की सब्जियां बना देगा और नानिया साफ कर देगा। आप कुछ मत करिएगा सर, आप कुछ मत करिएगा। आप मास्क और गमछा भी नहीं लगा सकते हैं, आप केवल लेक्चर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है, सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, चाहे बाहर से लेना पड़े, दुविधा के टाइम पे जो है डेफिनेटली मित्र देशों से मदद लेना और देना कोई बुरी नहीं है, वो भीख नहीं है। यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज हैं। एक प्राइवेट कंपनी अपना बिस्किट या जॉनसन एंड जॉनसन या दूसरी कंपनियां हजारों किलोमीटर से आके गांव-गांव में अपना सामान पहुंचा देती है, तो देश पूरा मिलके प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट प्रोफेशनल्स जो मैनेजमेंट के हैं, गवर्नमेंट के और पब्लिक और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी हैं, अगर चीजों को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो हर आदमी के पास मदद पहुंच जाएगी। गुरुद्वारे तो पहले ही कर रहे हैं, छोड़ दो गुरुद्वारों को सर, और भी बहुत सारे हैं जो कर रहे हैं, वो अच्छी चीज है। ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं कर रहा सर, पूरे इंडिया, पूरे पूरे इंडिया में अगर गुरुद्वारे कर रहे हैं, पूरे इंडिया के लिए सफिशियंट है वो, पूरे इंडिया के लिए सफिशियंट है वो। वो मंदिर क्यों नहीं कर रहे? आप उठा के सर्च करिए ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा क्यों नहीं कर रहे। शेयर कीजिए, कुछ एक मस्जिद में भी मैंने सुना था कि उन्होंने मस्जिद को कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बेड वेड लगाए हैं, जिनसे जो हो सक रहा है। ह्यूमिनिटी अभी भी बाकी है, छोटे छोटे लोग भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पड़ोस में भी लोग एक दूसरे को कर रहे हैं, इससे जो हो सकता है कर रहे हैं। विजडम के साथ ही हम इसको जीत पाएंगे।